हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज है मकर संक्रांति सोमवार, क्योंकि आज हम लोग 15 तारीख को मकर संक्रांति मना रहे हैं। कहीं कहीं तो 14 तारीख के भी मना गया पिछले दिन, लेकिन आज हम लोग 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाए हैं। तो फिलहाल 8 बज गया है और आ गए हैं ड्यूटी, क्योंकि हम लोग 8 बजे का ड्यूटी ही रहता है। तो चलिए देखते हैं आज का काम क्या रहता है। तो दोस्तों, आज का लोकोमोटिव 4 लोकोमोटिव शेड्यूल किया गया है। देखिए, एक नया पावर आया है, बिल्कुल अभी ये नया पावर आया है, P7 है, जो पैसेंजर के लिए यूज होता है। तो यहाँ से इसको फिलहाल पूरा अच्छे तरीके से शेड्यूल होने के बाद जाएगा। और एक पावर देखिए जो लाला गुड़ा से आया है। तो चलिए अब काम करते हैं। तो दोस्तों, अभी शाम के बज गया है 5 और ड्यूटी से आ गए हैं। आज हम लोग का नया पावर आया था, उसमें बहुत सारा काम था, तो लेट से काम ख़त्म हुआ। और फिलहाल आ गए हैं अभी अपने छत पे। यहाँ पे देखिए, आज पतंग उड़ाया जा रहा है, बहुत लोग पतंग देखिए, आकाश में आपको खाली पतंग दिखेगा। फिलहाल अभी छत पे बैठे हुए हैं और आज थकान बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि ड्यूटी बहुत काम ज़्यादा था ना। लोको नया आता है तब उसका पूरा शेड्यूल होता है ना, बहुत काम रहता है। तो चलिए देखिए, अभी छत पर नज़ारा देखते हैं, मस्त पतंग, सब लोग पतंग उड़ा रहे हैं। तो पतंग कट हो रहा है ना, एक दूसरे पतंग लड़ा रहे हैं, तो पूरा हल्ला हो रहा है। तो चलिए, तो गाइस देखिए, जिधर भी देखिएगा आपको आकाश में पतंग दिखेगा। देखिए शाम होने वाला है ना, तो गजब का नज़ारा लग रहा है, चारों तरफ खाली पतंग उड़ा रहे हैं। देखिए कहीं कहीं तो पूरा बजा कर डांस भी कर रहा है, देखिए उधर साइड में, और पतंग भी उड़ा रहा है चारों तरफ में। देखिए पतंग इधर साइड में भी देखिए, एक पतंग उड़ा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे छत पे बैठ के खड़ा होके मस्त इंजॉय कर रहे हैं, पतंग को चारों तरफ देख रहे हैं। और देखिए नज़ारा, शाम हो रहा है ना, बिल्कुल सनसेट हो रहा था, कितना अच्छा दृश्य है, थोड़ा सा मनोरम दृश्य का लाभ उठा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए बिल्कुल शाम होने वाला है, और अभी सनसेट होने ही वाला था। तो अब चलते हैं खेलने के लिए ग्राउंड पे। तो दोस्तों, शाम के टाइम में खेल के आने के बाद आज सोमवार है, तो पालक कैसे लग रहा है? तो देखिए यहाँ पे पालक ले रहे हैं 20 रुपये का एक बंडल, और साथ में यहाँ पे मंडे को जब मार्केट लगता है तो थोड़ा सा सब्जी सस्ता मिल जाता है, तो खरीद लेते हैं। और गोभी 40 का एक है और बंद गोभी 20 का एक है, तो 2-4 दिन का सब्जी मंडे को खरीद लेते हैं तो चलता है, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट लगता है ना, तो सब्जी थोड़ा सस्ता मिल जाता है। तो दोस्तों आ गए रूम पर, देखिए इतने तरह का सब्जी आज खरीदे हैं, भिंडी है, प्याज है, आलू है, धनिया है, और लौकी, गाजर, इस तरह से आज सब्जी खरीदे। तो दोस्तों आज मस्त देखिए खिचड़ी चोखा, और फिर पापड़ है, साथ में घी है, और फिर आपको यहाँ पे मस्त दम बनाए हैं आज। तो चलिए, क्योंकि आज मकर संक्रांति है, तो शाम के टाइम में खिचड़ी चोखा और फिर पापड़ और साथ में घी मस्त बना है। तो चलिए आज खाते हैं मस्त एकदम मकर संक्रांति का। पापड़ तो अभी मार्केट से जस्ट लाए थे ना, तो बनाए हैं, इसको छाने हैं, तो मस्त लग रहा है। और घी जब डालते हैं ना खिचड़ी में तो भी अच्छा लगता है। इसमें सारा चीज़ डाला गया है, मटर, आलू, फूलगोभी और टमाटर, तो खिचड़ी भी बहुत अच्छा बना है। और थोड़ा सा इसमें गर्म करके घी, घर का घी लाया है, तो देखिए घी डाल। तो दोस्तों, रात की 11 बज गया है और अभी फ़िलहाल खाना पीना कंप्लीट हो गया। आज मकर संक्रांति था, तो मस्त खिचड़ी चोखा जो बनाए आप लोग देखें। तो चलिए, आप लोग का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।